नमस्कार, मैं हूं सहयोगी सविता गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगी। यह टॉपिक नशे से रिलेटेड है। नशा धीरे धीरे हमारे समाज में घुसकर हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है। आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई सदस्य नशे की लत में पड़कर पूरे घर को बर्बाद कर रहा है। तो आज बात करते हैं कि ऐसे कौन से वास्तु डिफेक्ट किसी भी घर में हो सकते हैं जो घर के सदस्यों को नशे की तरफ धकेलते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनके क्या निवारण हैं। आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं नशे के कारण क्या होते हैं, ऐसे कौन से वास्तु डिफेक्ट हैं जो नशे के कारण बनते हैं। तो सबसे मेजर डिफेक्ट जो बनता है वो होता है WNW की एंट्रेंस। अगर हमारे घर का मुख्य द्वार वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है हमारे घर के सदस्य किसी न किसी सदस्य को नशे की तरफ ले जाने का। WNW में अगर किसी सदस्य का बेड है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है नशे की तरफ जाने का। होता क्या है कि WNW डायरेक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन है। तो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए वहां सोने वाला सदस्य नशों को चुन लेता है और नशों को अपनी आदत बना लेता है। अब तीसरा रीजन जो नशे की तरफ जाने का होता है वो होता है सेप्टिक टैंक। अगर हमारे घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने सेप्टिक टैंक है तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है नशे की तरफ जाने का। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि एंट्रेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब है कि एंट्रेंस के बिल्कुल सामने सेप्टिक टैंक हो तो सेप्टिक टैंक गंदगी को रिप्रेजेंट करता है और मुख्य द्वार रिप्रेजेंट करता है मुंह को, यानी मुंह में गंदगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है नशे की तरफ जाने का। अब इसका निवारण क्या है? अगर WNW में बेड आ रहा है तो बेड को आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर वहाँ मेन एंट्रेंस आ रही है तो आप आयरन की स्ट्रिप या सफेद टेप से आप मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर सेप्टिक टैंक आ रहा है आपके घर के मुख्य द्वार के सामने, जो कि द्वार भेद भी माना जाता है, तो उसे भी आप ट्रीट कर सकते हैं उस डायरेक्शन की स्ट्रिप को अपने गेट और सेप्टिक टैंक के बीच में डालकर। ये तो बात हुई हम ट्रीट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो आप सेप्टिक टैंक के सामने से अपने मेन गेट को ही थोड़ा सा दाएं या बाएं शिफ्ट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद जो एक और रीजन बनता है नशे की तरफ जाने का वो होता है साउथ साउथ वेस्ट में आया हुआ बेड। होता क्या है, जब हम साउथ साउथ वेस्ट के बेड में सो रहे होते हैं जो कि डिस्पोजल का जोन है, तो हम जितने भी एफर्ट कर लेते हैं अपने रिलेशंस को लेके या अपने कर्म को लेके, वो सारे डिस्पोज होते जाते हैं। हमें लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आता और हम धीरे धीरे नशों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म डिस्पोज हो रहे होते हैं तो हमें डिप्रेशन होने लगता है और हम डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हम नशों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप बेड को साउथ साउथ वेस्ट से हटाकर आइदर साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन बनता है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, वो नेक्स्ट डायरेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है बहुत बार, वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। वैसे तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन और रिक्रिएशन की डायरेक्शन है, पर कई बार क्या होते हैं, जब जवान बच्चे इन बेड पे सो रहे होते हैं, 15, 16, 18 साल के बच्चे, तो फन, मोर फन करने के चक्कर में, मोर कुछ ऐसा नया क्रिएट करने के चक्कर में और ज्यादा हैप्पीनेस ढूंढने के चक्कर में वो गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत संगति के कारण वो नशों का शिकार हो जाते हैं। तो अगर 10 से 12, 13 साल के बच्चे वहां सो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बड़े बच्चे वहां सो रहे हैं तो कोशिश करके उनका बेड भी आप ईस्ट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, या वो बेडरूम घर के एल्डरली पर्सन को दे दीजिए और उन बच्चों को कहीं और शिफ्ट कराइए। ये तो बात हुई वास्तु से रिलेटेड कि क्या वास्तु में डिफेक्ट्स हैं और उनके क्या उपाय हैं। अब बात करते हैं कुंडली के बारे में, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु से भी बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिल जाते हैं और
एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे कुछ कारण बनते हैं जो कि नशों की तरफ धकेलते हैं। अगर आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस जो कि हमारी टेस्ट वर्ड का हाउस है वहाँ पे शनि और राहु की युति है तो भी बहुत बड़ा कारण बनता है नशों की तरफ जाने का। सेकेंड हाउस में शनि और राहु की युति हो या सेकेंड हाउस पर शनि और राहु की पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसे योग बनते हैं कि वो जातक जिसकी वो कुंडली है वो नशों की तरफ जा सकता है। तो शनि जो होता है वो किसका कारक है, वो अल्कोहल का कारक है। और राहु क्या है, राहु इल्यूशन है, कंफ्यूजन है, हर तरह का धुआं है, सिगरेट और क्या कहते हैं गांजा हफीम, इस तरह के नशों का कारक राहु पर। तो अगर किसी जातक की कुंडली में शनि और राहु की युति भी सेकंड हाउस में हो तो वो भी बड़ा कारण बनती है नशों की तरफ जाने का। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपके घर में ऐसे वास्तु डिफेक्ट्स हैं तो जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो रेमेडीज करके सोल्यूशन। थैंक यू।